सोचिए जरा, 160 किलोमीटर की प्रति स्पीड से दौड़ रही वंदे भारत यदि अचानक रुक जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कल 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही वंदे भारत अचानक कोसीकल्ला में रुक गई। रेलवे के ऑफिसर परेशान नहीं हुए जबकि बहुत खुश हुए। रेल ट्रेनों को दुर्घटना से बचाने के लिए मंगलवार को खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जय वर्मा सिन्हा ने पूरे सिस्टम को चेक किया। पलवर से वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन से उन्होंने कवच का ट्रायल लिया। कोसीकला में सिग्नल ना मिलने पर ट्रेन अपने आप रुक गई। इससे क्लियर हो गया कि यह ट्रायल सफल है, सफल रहा। कवच के ट्रायल के दौरान कोसीकला के निकट ट्रेन 160 की स्पीड से थी और सिग्नल ना मिलने से अपने आप स्लो हो गई और थोड़ी देर बाद जाकर रुक गई। आपको बताते चलें कि ट्रेनों की सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे इन दिनों ट्रेनों में लगाई गई कवच डिवाइस का ट्रायल कर रहा है। पलवर से वृंदावन रोड स्टेशन के बीच कवच डिवाइस लगाने का काम पूरा हो चुका है। यह डिवाइस सिग्नल पर लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस डिवाइस से ट्रेनों के हादसे में काफी कमी आएगी। चेयरमैन जय वर्मा सिन्हा को लेकर 8 कोच की स्पेशल वंदे भारत का रैक 9:20 पर पलवर रेलवे स्टेशन से चला। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही वंदे भारत कोसी कला के पास रेड सिग्नल दिखाई दिया तो ट्रेन के ब्रेक खुद लगने लगे और लोको पायलट को भी एक डिवाइस आवाज देने लगी। यह ट्रायल सफल माना जा रहा है। 10:25 पर वंदे भारत ट्रेन वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्होंने वृंदावन रोड स्टेशन पर इसका निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने वृंदावन रेलवे स्टेशन की व्यवस्था भी चेक की। उसके बाद 10:55 पर वापस पलवर के लिए उसी ट्रेन से रवाना हो गए। एनसीआर जीएम रविंद्र गोयल, नॉर्थन रेलवे के जीएम सोवन चौधरी, डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल, डीसीएम आरपीएफ अनुभव जैन, स्टेशन डायरेक्टर एस के श्रीवास्तव, स्टेशन मैनेजर वी वी मंगल, आरपीएफ थाना प्रभारी अवधेश गोस्वामी, पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव भी उनके साथ इस ट्रायल में मौजूद रहे। चलो नज़र डालते हैं क्या है कवच सिस्टम और ये किस तरीके से काम करता है। कवच डिवाइस रेल इंजन और सिग्नल पर लगाया जाता है। जीपीएस सिस्टम पर यह डिवाइस कार्य करती है। इस डिवाइस के माध्यम से यदि ट्रेन चालक को 1 किलोमीटर पहले ही सिग्नल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यदि चालक ध्यान नहीं देता तो सिस्टम सतर्क करने के लिए संदेश देता रहेगा और ट्रेन की गति को भी स्लो करता जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या कवच सिस्टम लगाने से ट्रेनों के एक्सीडेंट में कमी आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।